स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूं नवाज और आप देख रहे हैं बाजार एक्सप्लोर फूडी। और हम जा रहे थे बिजनौर और इस वक्त मैं खड़ा हूं बैराज गंगा पर। तो मैंने सोचा पहले यहां का एक व्यू ले लें और उसके बाद चलेंगे। यहां से रेलवे स्टेशन है वहां का बिजनौर का, तो अपने ब्लॉग की शुरुआत वहीं से करेंगे। अभी अभी दिखाते हैं, अभी हम खड़े हुए हैं बैराज गंगा पे। तो इस वक्त मैं हूँ बैराज गंगा पे। देखिए ये यहाँ छोटी गंगा है और यहाँ पर जो है काफ़ी भीड़ रहती है। आज थोड़ा पानी कम हो गया है तो थोड़ा भीड़ वगैरह भी कम है। तो हम जा रहे थे बिजनौर, वहाँ पर स्टेशन में हमारा मित्र एक इंतज़ार कर रहे हैं, इंजीनियर किसान भाई ब्लॉगर। आज उनसे मुलाकात करेंगे। तो आज वो उन्होंने हमें दावत दी है, वो आज खिलाने वाले हैं हमें वहाँ का बर्गर, काफ़ी मशहूर बर्गर है। तो चलते हैं और पहले चलते हैं यहाँ से स्टेशन, फिर दिखाते हैं आपको। बिजनौर में शुरुआत करेंगे बिजनौर रेलवे स्टेशन से। तो देखिए एक ट्रेन आई हुई है जो गजरौला से नजीबाबाद चलती है, तो ये इसको हम शूट करेंगे पहले, फिर यहाँ से आपको दिखाएंगे बिजनौर। तो इस वक्त खड़े हुए हम बिजनौर और एक ये ट्रेन जा रही है यहाँ से जो गजरौला से नजीबाबाद के बीच चलती है। एक ये पैसेंजर ट्रेन है और ये रेलवे स्टेशन भी जो है काफ़ी पुराना है, अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। देखिए अभी यहाँ पर जो कार्य चल रहा है इसको तोड़ के दोबारा बनाया जा रहा है। और ये देखिए ये ट्रेन जा रही है। यहाँ चल रहा है न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये है बिजनौर का रेलवे स्टेशन। और अब हम यहाँ से चलते हैं आपको दिखाते हैं बिजनौर। ये देखिए यहाँ से निकल जाएंगे हम बाहर। साइड में दिखा दो, देखिए यहाँ दुकानें हैं काफी है, रेस्टोरेंट है। ये है यहाँ का रेलवे रूट। और यहाँ बिजनौर में यही दिखाओ जरा, देखिए बिजनौर में काफी बड़े शोरूम भी है, कैंटाबिल है जैसे कि यहाँ पर। और ये भैया ये है नजीबाबाद रोड और यहाँ आपको जो है एक से एक बड़े शोरूम मिल जाएंगे। देखिए बाजार इंडिया नया एक ये शोरूम खुला हुआ है यहाँ पर। तो गाइस इस वक्त खड़े हुए हैं हम बिजनौर पे, ये है सिविल लाइन का एरिया और यहाँ पर मिलता है एमबीए बर्गर, आज हम जो ट्राई करने के लिए आए हैं। तभी करते हैं भाई से बात। तो देखिए यहाँ एक स्टॉल लगा हुआ है, ये है एमबीए बर्गर वाला और जिसका प्राइस है यहाँ 45 रुपीज़ से स्टार्ट है और स्पेशल इनका जो पिज्ज़ा है वो 120 रुपये में। तो गाइस यहाँ पर आए हुए हैं हम, यहाँ मिलता है एम बी बर्गर वाला। तो यहाँ देखिए एक से एक बर्गर मिलेगा आपको, पिज्जा है, पनीर टिक्का पिज्जा है। ये क्या है भैया? पिज्जा है 160 रुपए में है, बहुत बढ़िया पिज्जा। ये पनीर पिज्जा है, ये सेव पिज्जा है, ये 120 का भैया। ये चीज सैंडविच है, बहुत जबरदस्त है। और ये कितने का है? 160 रुपए में है सर। ये 160 पिज्जा है। अच्छा ये सब दोनों पिज्जा है। आपके यहाँ सबसे ज्यादा क्या चलता है? सारे आइटम दिखते हैं, सारे आइटम पिज्जा, कुल्हड़ पिज्जा भी बहुत बिकता है हमारे। कुल्हड़ पिज्जा नहीं है, अभी तैयार कर रहा है बच्चा। अच्छा अभी तैयार कर रहा है। अच्छा तो देखिए बिजनौर में आ सकते हैं आप यहाँ पर एमबीए बर्गर वाला। तो भैया एमबीए बर्गर के नाम कैसे? एमबीए कर रखा है हमारे भाई ने। अच्छा भाई ने एमबीए कर रखा है, जी जी। तो एमबीए करके बर्गर बेच रहे हैं जी। तो देखिए लोग बाग चाय ब्रांच है हमारी। अच्छा 18 ब्रांच है आपकी? 18 ब्रांच होती है हमारी। तो भैया आप का मेन है या फ्रेंचाइजी वगैरह ली है? नहीं नहीं हमारा मेन है। आपका मेन है, बाकी लोगों को फ्रेंचाइजी? हाँ हमारा मेन है, बाकी लोगों को फ्रेंचाइजी दे रखी है। काफी शहरों में मैंने और जगह भी देखा है, नजीबाबाद में है, सिवारे में है। तो इसका मेन ऑफिस कहाँ पर है? ये नगीने में। नगीने में मेन ऑफिस? हाँ। अच्छा नगीने के पास कस्बा कोटरा है। अच्छा अच्छा वहाँ पे।
तो गाइस ये है यहाँ का बर्गर और जो हम इसको ट्राई करने के लिए आए हैं ये है एमबीए बर्गर वाला और देख सकते हैं आप इसमें इन्होंने और इसका जो प्राइस है इन्होंने 30 रुपये रख रखा है और 45 वाला भी नहीं था अभी 30 वाला दिया है हमको और देखिए इसमें काफ़ी चीज़ें इन्होंने लगाई हैं बर्गर के अंदर। तो आज हम इसको ट्राई करने के लिए आए हैं एमबीए बर्गर वालों के, तो साथ में हमारे भाई बनाएंगे। सर कैसा है टेस्ट लीक करें आप भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक कर लेते हैं। तो टेस्ट करके बताइए कैसा है ये? बढ़िया बढ़िया है। तो गाइस एमबीए के बाद अब हम आए हैं पिज्जा फास्ट फूड पर, तो ये भी बर्गर बनाते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये प्रोसेसिंग देखो जबरदस्त, तीन लोग लगे होते हैं तो बर्गर तैयार करने के लिए क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है बिजनौर में। यहाँ पर देखिए पहले इन्होंने ग्रीन चटनी लगाई, उसके ऊपर खीरा लगाया, फिर प्याज लगाई है, फिर भी मसाला डाला, फिर म्यूनीज डाल दिया उसके ऊपर। ये देखिए एक ये रेड चटनी आ गई म्यूनीज के बाद। ये है बर्गर की मैगी। देखिए इसको ये आ गई आलू की टिक्की। फिर दोबारा म्यूनिस आई। फिर मसाला आ गया। मसाले के बाद ये अमूल मक्खन में जाएगा कुछ सकाई होके। तो गाइस पहले हमने दिखाया आपको एमबीए बर्गर वाला और ये है पिज्जा बर्गर वाला। ये ऑन रोड है, ये सिविल लाइंस का एरिया है और ये देखिए अगर आप स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं तो यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। तो आज तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ बर्गर को और यहाँ का बर्गर जो है काफ़ी मशहूर बर्गर है, यहाँ का फेमस बर्गर है। ये है पिज्जा बर्गर। ये भाई देखो आप शानदार ये बनावट देखो आप कितने अच्छे से इसको डिजाइन करके दिया है। चलो ये स्टार्ट कराइए। चलिए भाई इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। करो 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 भाई। इंजीनियर किसान भाई ब्लॉग के ब्लॉगर के साथ तो आज ये हमको लेकर आए हैं बिजनौर के अंदर और लेकर आए हैं यहाँ पर फेमस जगह। ये है पिज्जा फास्ट फूड कॉर्नर पर जहाँ बनते हैं बर्गर, मतलब बहुत ही स्पीड से और बहुत तेजी से। और देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ काफ़ी भीड़ रहती है शाम के टाइम। तो आज हम भी आए हुए हैं यहाँ पर बर्गर ट्राई करने के लिए। अरे बाप। तो गाइज आज हम आए हुए थे बिजनौर और हमने आपको एक्सप्लोर कराया है यहाँ का बर्गर, एमबीए बर्गर वाला और पिज्जा बर्गर वाला, और दोनों बर्गर काफ़ी टेस्टी थे। और अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो प्लीज़ यहाँ आके विज़िट कर सकते हैं। और भाई वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो विज़िट करें
तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।